बेसिकली ये जो होप 2019 है इसके लिए मैं पहले भी आया हूँ एंड इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो सब जुड़े हैं इसके साथ मैं उनके साथ मेरे करियर के बिगनिंग से जुड़ा हूँ जब मैं पहले भी आता था एंड बहुत वंडरफुल है बहुत वंडरफुल चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे हमें होप देते हैं एक्चुअली हमें उनको होप देने की ज़रूरत नहीं है दे आर द ग्रेटेस्ट फाइटर्स इतने कम उम्र में ये बच्चे कैंसर जैसे डेडली डिजीज़ को डिफीट करते हैं लड़ते हैं बहुत ही बड़ी बात है एंड ऐसे जो फाउंडेशंस हैं उनकी बहुत मदद करते हैं आई ऑलवेज इन्जॉय अराउंड किड्स मेरे वो सबसे बेस्ट होता है इट जस्ट फील्स वेरी वंडरफुल और एक छोटी सी चीज़ ऐसे उनको खुशी देती है उनके माँ बाप को खुशी देती है इट्स अमेजिंग बहुत बहुत अच्छी रही मेरी संडे मॉर्निंग इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मैं इतने ब्रेव किड्स के साथ बिताऊँ और इतने अच्छे और मेहनती डॉक्टर्स जो कि एक एग्जेम्पलरी है हमारे सोसाइटी में कितना काम करते हैं कितना सेल्फलेसली वो बच्चों को बढ़ावा देते हैं मैं बहुत बार टाटा कैंसर हॉस्पिटल गई हूँ और वहाँ पे काफ़ी डॉक्टरों को मैं देखती हूँ सेल्फलेसली कितने काम कितनी अच्छी तरह से वो पेशेंट को देखते हैं और मुझे तो चाइल्डहुड कैंसर के बारे में उतना मालूम नहीं था क्योंकि मुझे फीमेल सेंट्रिक कैंसर से मैं जुड़ी हुई थी लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची डॉक्टर से बात किया और पता चला कि चाइल्डहुड कैंसर जो होता है कि 99% क्योरेबल है ट्रीटेबल है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कैंसर के नाम से इतना डर जाते हैं कि अपने बच्चे के वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते तो जब ये बात मैंने सुना तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं कैसे आगे बढ़ के आप लोगों की मदद कर सकूँ इस चीज़ को फैलाऊँ लोगों तक कि चाइल्डहुड कैंसर जब भी होता है तो क्योर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सक्यूज मी तो उन्होंने कहा फिर हम लोग ने फिर उसके बाद मेरा उन लोगों के साथ काफ़ी रिश्ता बढ़ते ही गया और आज मुझे बुलाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने डांस इतना अच्छा किया इतना जोश में एक प्यारे से बच्चे जिसकी एक पैर कट गई थी कैंसर की वजह से उसने कितने मस्ती से कितने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने आके परफॉर्म किया क्या होता है कि बचपन में अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दें अच्छी मेमोरीज दे दें दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू हैव अ गुड मेमोरीज एंड बिल्ड द होल थिंग इन अ पॉजिटिव टोन रादर देन इन सैडनेस और सॉरो और दुख यू नो सो बहुत अच्छा लगा नहीं 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 मेरे को तो अच्छा लगता है मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे और इन बच्चों का प्रोग्राम देख करके अच्छा लगता है ये बच्चे परफॉर्म करते हैं और इनको देख के हमारा हौसला बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है ऑफकोर्स कई बार हमें इनके सामने परफॉर्म करते हुए थोड़ा सा ये होता है लेकिन फिर देखते हैं जब ये करते तो हम क्यों नहीं करें तो ये बच्चे हैं जो लोग कैंसर से लड़ रहे हैं और उनको हंसा करके उनके सामने उनका मनोरंजन करके बहुत खुशी मिलती है और मेरी तरह और बहुत सारे आर्टिस्ट हर साल आते हैं यहाँ और इन बच्चों को खुश करते हैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने सुनने वालों से भी मैं कहूँगा गुजारिश करूँगा इस फाउंडेशन के लिए आप भी आगे आइए और जो भी कैंसर से पीड़ित हैं उनकी मदद करें बहुत खुशी मिलती है आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा